नमस्कार दोस्तों, अगला एपिसोड करंट अफेयर का, और खुशी की बात है कि ये अंतिम एपिसोड है। तो क्या इसके बाद हम नहीं मिलेंगे? इसके बाद हम मिलेंगे, इसका मैराथन भी हम कर सकते हैं और हम करंट के लिए भी कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें। जीएस के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसके लिए हम मिलते रहेंगे। और इसका पीडीएफ हम आपको, आज ये कंप्लीट हो रहा है, कल तक टेलीग्राम ग्रुप में, और जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज ली है, टेस्ट सीरीज वाले लोगों के लिए वहीं पर उनके ऐप में जितनी जल्दी हो सकेगा जो स्टडी मटेरियल का सेक्शन है वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये वहां पे उनको मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही देंगे। व्याख्या इसमें देने का कोई मतलब मेरे ख्याल से नहीं है, और व्याख्या देने से दिक्कत ये होती है कि ज्यादा टाइम लगता है, बाकी व्याख्या तो अच्छी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 212 तक क्वेश्चन हम देख चुके थे, अब 213 से 246 तक का क्वेश्चन, हम 34 क्वेश्चन इसमें देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चलिए उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से देश साझा भाग्य 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगे? तो ये देश कौन कौन से हैं, और ये सितंबर माह में इसको आयोजित होना था, तब ये प्रश्न बनाया गया था। तो इसमें चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, ये भाग्य 2021, इसको भारत से आप मत जोड़िएगा, इसमें भारत नहीं है। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इन देशों के जो सशस्त्र बल हैं उनके बीच में ये शेयर्ड डेस्टिनी 2021 ये आयोजित किया जाएगा, और ये जो अभ्यास है ये चीन में आयोजित होगा। कहां पर शेयर्ड डेस्टिनी पूछा जाए तो चाइना में इसका आयोजन होना। किस देश ने फैसला सुनाया है कि 996 की ओवर टाइम प्रथा अवैध है? 996 का पहले आप मतलब समझ लिए, 1 9 9 AM हो गया, 1 9 9 PM हो गया, और 6 का मतलब हुआ कि वीक में 6 डे, 6 डे, 6 दिन, 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में से 6 दिन, यानी कि सप्ताह के 6 दिन 9 बजे सुबह से 9 बजे शाम तक काम करने का ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को, ओवरटाइम प्रथा को चीन ने अभी अवैध करार दिया है, कहा कि ये ठीक नहीं है। अब चाइना भी देखिए थोड़ा सा ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पे सोचने लगा है, और वहां पे कई फर्में हैं, कई प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा काम कराती हैं, 12 12 घंटे काम कराती हैं, ओवरटाइम हो जाता है। इसी कारण से चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जाना भी जाता है। BH सीरीज जो हाल ही में चर्चा में रही, किस क्षेत्र से संबंधित है? BH, इसको ध्यान रखना आप, BH जो सीरीज है ये भारत श्रृंखला, BH का मतलब है भारत श्रृंखला, और ये नए वाहनों के लिए नया पंजीकरण चिन्ह अभी होगा, और ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र से रिलेटेड हो जाएगा अगर वाहनों के लिए है। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई वाहन ट्रांसफर होता है, बेचा जाता है, तो उसमें उसका पंजीकरण में बड़ी दिक्कत होती थी, पंजीकरण हस्तांतरण के लिए उसको पता भी चाहिए कि वहां का एड्रेस लोकल होना चाहिए, ये सब चीजें। तो इसमें BH सीरीज में अब ये सब जो समस्याएं थी इनको दूर किया जाएगा, अपने निवास को स्थानांतरित करना नहीं पड़ेगा। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किस संस्था की पहल है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये RBI की पहल है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें आपको बताना चाहता हूं, 345 करोड़ रुपए के कोष के साथ इसको लॉन्च किया गया है। Tier 3 से Tier 6 केंद्रों में डिजिटल भुगतान के लिए हर साल 30 लाख नए टच पॉइंट बनाना इसका उद्देश्य है। तो ये पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RBI के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इसको बहुत सारे लोग समझ लेंगे कि मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं भाजपाई हूं। ये ऐसी बेवकूफाना हरकत मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करता हूं। मेरा काम है यहां पे बात करना, मेरा काम है कुछ उदाहरण देना। अब वो आपको अगर ऐसा लग जा रहा है तो अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आप लोग बहुत बुद्धिमान है, मैं आप लोगों को ऐसा समझता हूं कि आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो 7 ईयर्स आप मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के संपादक या लेखक कौन है? तो ये KJ अल्फोंस की पुस्तक है, उनके संपादकत्व में इसको छापा गया है, और ये 7 साल की जो मोदी मोदी की गवर्नमेंट रही है, मोदी जी की, उस गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इस पर 25 निबंध इसमें शामिल किए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, $100 अरब का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? और ये कंपनी है इंफोसिस। इंफोसिस के पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी है ना, और साथ में HDFC बैंक, ये तीन थे, तीसरे की बात मैंने की थी। तो अब ये चौथी कंपनी बन गई है इंफोसिस, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में इंफोसिस को माना जाता है। इंफोसिस की स्थापना 1981 में हुई थी। एन नारायण कृष्णमूर्ति 7 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी इंफोसिस की, और सुधा कृष्णमूर्ति भी इसमें थी, उनकी वाइफ। भारत किस देश को पीछे कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण केंद्र बन गया है। सबसे आकर्षक कौन सा देश है जिसको इसने पीछे किया है, और ये देश है अमेरिका। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका को इसने पीछे छोड़ा और दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण केंद्र बन गया। रियल इस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वैकफील्ड है, उसने ये बताया है कि अमेरिका को इसने पिछाड़ा है। वैसे देखा जाए तो इस साल 2020 में देखा जाए तो अमेरिका दूसरे स्थान पर था, भारत तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब अमेरिका तीसरे स्थान पर हो गया है, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है ये भी तो जानना चाहिए आपको, आप लोगों को पता होगा, काफी गैस कर लिए होंगे कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर कौन होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, या मैं बता दूं, चीन ही है प्रथम स्थान पे, प्रथम स्थान पे चीन है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए मैं यही बताया दे रहा हूं, चाइना प्रथम पे, इंडिया फिर दूसरा आकर्षक हो गया है, और तीसरा है अमेरिका। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, वो शहर है कोपेनहेगन। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ऐसा कह रही है, यानी कि यह बात सही होगी। और ये डेनमार्क की राजधानी है, तो कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, इसको सबसे सेफ सिटी माना गया है पूरे विश्व में, ठीक है ना। 2 साल पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और दिल्ली जो है, दिल्ली मुंबई को भी जगह मिली है, 48वें स्थान पर ये दिल्ली है और 50वें स्थान पर मुंबई है। अगला जो प्रश्न है, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने अपने मिशन को क्या नाम दिया है। तो अफगानिस्तान से जो नागरिक निकाले जा रहे हैं भारत के, उसके लिए जो गवर्नमेंट हमारा प्रयास कर रही थी, हमारी गवर्नमेंट, तो ऑपरेशन देवी शक्ति उसका नाम रखा गया था, भारतीय गवर्नमेंट, बी ऑप्शन, देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से जो भारत के लोग वहां फंसे थे उनको निकालने का प्रयास किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्रग्रह हाल ही में पृथ्वी के करीब से गुजरा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस क्षुद्रग्रह का नाम है 2016 AJ 193, है ना, 2016 AJ 193, ये क्षुद्रग्रह है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बुर्ज खलीफा से भी विशाल ये क्षुद्रग्रह और पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरा है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, है ना, और वहां मतलब इतना बड़ा, इतना विशाल, और ये पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरा। 2016 AJ 193, इसका नाम नासा के द्वारा दिया गया था। आर्मी 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, आर्मी 2021 भारत का जो स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है LCA तेजस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अर्जुन मेन बैटल टैंक है, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्मी 2021। और ये रसिया में आयोजित किया जा रहा है, मॉस्को क्षेत्र में ये आयोजित किया जा रहा है, रसिया में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन गया है। अभी 9 सितंबर को ईवी डे मनाया गया ना, अंतरराष्ट्रीय ईवी डे 9 सितंबर को मनाया जाता है, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने क्वेश्चन भी डाला था। तो देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन बनाया गया, तो ये हाईवे है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस देश के पास 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता है, 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो ये भारत के पास अध्यक्षता है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है ब्रिक्स के, भारत ही अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। और भारत अपनी अध्यक्षता के लिए निरंतरता, समेकन और सहमति के बिना इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, ये थीम है इसकी, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, ध्यान कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन इसकी थीम है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है, और दलित बंधु योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तेलंगाना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तेलंगाना में हुजूर नगर विधानसभा के सालापल्ली गांव से ये योजना शुरू की गई, इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर सबसे बड़ी उपाधि शतरंज की होती है, और अभी हर्षित राजा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 20 साल के अभी हैं और ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, है ना, सर्वोच्च खिताब ये होता है, फिडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को ये दिया जाता है, विश्व शतरंज जो संगठन फिडे है, फिडे के द्वारा ये दिया जाता है।
स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत अशोक चक्र मिला? मरणोपरांत मिला और अशोक चक्र मिला, और ये जो है बाबूराम को दिया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और सशस्त्र बलों की अगर आपसे पूछ लिया सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राम कोविंद जी हैं, राष्ट्रपति हमारे वो होते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर ये सशस्त्र बल, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को 144 वीरता पुरस्कार दिए। उनमें से अशोक बाबू को मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया, अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र दिया गया। शौर्य चक्र में कई लोग हैं, अरुण कुमार पांडे हैं, ऐसे मेजर रवि कुमार चौधरी हैं, ये लिस्ट पूरी है, लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे। कोकड़ सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो कोकड़ किसके बीच में होता है? तो कोकड़ जो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी और ब्रिटिश रॉयल नेवी, इनके बीच में ये 2 वर्षीय होता है, 2 साल पर होता है। और ये भारतीय नौसेना का जहाज तबर गया था इंग्लैंड, पोर्टसमाउथ पहुंचा, वहीं पर हुआ, तबर गया था, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। किस राज्य के शासित प्रदेश ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया? देखिए एक क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, तो ये है असम। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अभी लास्ट एपिसोड में ही इसको हमने किया था। भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है कि भारत कब तक ऊर्जा स्वतंत्र बन जाएगा? भारत लगातार प्रयास कर रहा है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, तो प्रयास इसने किया ही है, पहल भी की है इसने वैश्विक स्तर पर, और ये ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी प्रयास कर रहा है। तो इसने कहा है 2047 तक। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 15 अगस्त को जब मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे, कहां से? लाल किले से। तो उन्होंने ये बात कही, भारत ने निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले 100 गीगावाट अच्छे ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है और आगे ये एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने की राह में बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्र में जिसने वन संसाधन अधिकार को मान्यता दी है, तो यह है छत्तीसगढ़। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और शहरी क्षेत्र में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को मान्यता इसने दे दी है ना, 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी जिले के निवासियों को यह मान्यता अभी दी गई है, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने लंबे समय तक तानाशाह रहे ओमार अल बशीर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपने का फैसला किया? तो ये फैसला किया है सूडान ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीकी देश सूडान ने ये दारफुर संघर्ष के लिए कई अधिकारियों सहित ये लंबे समय तक तानाशाह रहे ओमार अल बशीर को भी ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंप दिया। ठीक है, ICC की अगर बात करें तो नीदरलैंड, द हेग जो पड़ता है नीदरलैंड में, वहां पर इसका मुख्यालय है और नरसंहार, युद्ध अपराध, इन मामलों को ये सुनता है। और ICC की स्थापना रोम कानून के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? और वाटर प्लस सिटी है इंदौर। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में भी आगे रहता है, वाटर प्लस सिटी भी ये घोषित हो चुका है। और इसके अंतर्गत जैसे उन शहरों को प्रमाण पत्र दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा किया हो, ओपन डेफिकेशन फ्री। यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब यह होता है कि जहां पर खुले में शौच कोई नहीं करता है। और जो इसके ट्रीटेड वेस्ट वाटर का भी देखा जाता है कि यानी कि पानी को शुद्ध करके बिना उपयोग करने का कौन सा शहर है जो इस्तेमाल कर रहा है, काम कर रहा है ये, तो इंदौर को पाया गया तो इसको ये दिया गया। इनमें से भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM कौन सी है? स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ये है निर्भय। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा तट से चांदीपुर जो है एकीकृत परीक्षण रेंज, तो वहां से इसका परीक्षण किया गया। मिसाइल जो है ITCM निर्भय का जो निर्माण है वो मेड इन इंडिया आप कह सकते हैं। मानिक टर्बोजेट इंजन इसमें मेड इन इंडिया का ही लगा हुआ है, स्वदेशी बूस्टर इंजन भी लगा हुआ है, तो इस मामले में ये इंपॉर्टेंट है, अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल नहीं है? तो मालाबार में एक तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके साथ में आप जापान को जोड़ दीजिए। जर्मनी जो दिया है यहाँ पर गलत है, ये 4 देश है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 देश है मालाबार नौसैनिक अभ्यास में, ये जर्मनी इसमें नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 21 से 24 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली जो है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना जाता है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। उसमें जो टेस्ट पेपर हो गए हैं वो पेपर भी आपको मिलेंगे, 15 टेस्ट होने हैं उसमें से 11 हो गए हैं, वो 11 तो तुरंत आपको मिल जाएंगे, 2 दिन में आप उसको 3 दिन में देख डालेंगे, 40-40 क्वेश्चन का आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं की जाती है कि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज इसलिए की जाती है कि आप पास हो पाएंगे, इतनी हिम्मत आ पाएगी कि आप क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 6307281212 पर व्हाट्सएप करना है, GIC लिख के आपको डिटेल मिल जाएगा। और 4 जो पेपर और बचे हैं उनको भी हम लोग कर लेंगे, वो एक एक रोज पे पब्लिश हो रहे हैं, है ना। अगला जो प्रश्न है, विश्व युवा विकास सूचकांक, वैश्विक युवा विकास सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो ये रैंक है 122, 122 रैंक है। 10 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा इसको जारी किया गया, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 181 देशों में भारत की रैंक 122 आई है। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक जो हाल ही में चर्चा में थी किसके द्वारा लिखी गई है, यह है अनुराधा राय की पुस्तक, और ये पुस्तक जो है ये एलंगो कुम्हार के जीवन और मस्तिष्क, जिन्हें एक प्यारे पालतू जानवर के समर्पण, जटिल और असंभव प्रेम का कुछ अनुभूति होती है, इसके बारे में ये लिखा गया है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अनुराधा राय की ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, थॉट बेस्ड है, और ये दो लोग इसमें किरदार हैं, और खुशहाल दुनिया के बारे में बताया गया है, कैसे लोग खुश रहते हैं। बाकी इनकी और रचनाएं हैं वो यहाँ पर उतना चर्चा करने का कोई वो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो 2021 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, और साथ ही फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी इसको घोषित किया गया है, फल और सब्जी का 2021 को ही। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हाल ही में जंगलों में लगी भयंकर आग की वजह से चर्चा में था, अभी हाल ही में था और जंगलों में वहां पे आग लग गई थी, और ये द्वीप कौन सा है, एबिया द्वीप, कौन सा द्वीप है, एबिया द्वीप, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दूसरा सबसे बड़ा यूनानी द्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ग्रीस की मुख्य भूमि बाइओटिया से ये मतलब अलग है थोड़ा सा, और ये यूरिपस जल डमरू मध्य वहां पे मिलता है, यूरिपस स्ट्रेट, तो यूरिपस स्ट्रेट से ये अलग होता है, बाइओपोटिया से, बाइओटिया से ये अलग होता है। बाइओटिया आपसे पूछ लिया है तो ग्रीस की मुख्य भूमि है, है ना, और यहाँ पे अभी एबिया द्वीप में जंगलों में आग लगी थी। पीएम दक्ष योजना कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है, पीएम दक्ष योजना, पीएम दक्ष जो योजना है 7 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं, उन्होंने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप अभी लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो यही मंत्रालय इसको चला रहा है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितने मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, तो ये पहुंच जाएगी 22,480 मेगावाट, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 2031 तक, ये डेटा अभी आंकड़ा ये जारी किया गया है, और वर्तमान में ये 6780 है, 6780 ये परमाणु ऊर्जा क्षमता है, और 2031 तक माना जा रहा है ये 22,480 हो जाएगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, टोक्यो ओलंपिक पर भी हमने आपको क्वेश्चन बना के दे दिया है, ओलंपिक पर भी दे दिए हैं, सब वीडियोस पड़े हुए हैं, और उसके पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर पैरा ओलंपिक वाले पड़ गए थे, टोक्यो ओलंपिक वाले डाल देंगे, और मैंने बोल दिया है टीम से तो वो उसको बना के डाल देंगे, तो वो भी आपको मिल जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता, तो ये हारने वाला देश था जर्मनी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, है ना। और अगला प्रश्न है, 29 और 30 जुलाई 2021 को कहां पर G20 संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई, तो ये बैठक जो आयोजित की गई थी ये रोम में आयोजित की गई थी, कहां पर, रोम में, और रोम कहां, इटली में, तो इटली ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है ना, इटली देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है, इस पूरे करंट अफेयर का ये अंतिम प्रश्न हो जाएगा, लेकिन डिस्कशन अभी जारी रहेगा इंपॉर्टेंट चीजों का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर का प्रथम स्थान रहा, भारत का कौन सा स्थान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का 121वां स्थान है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
और ये एक अमेरिकी रूढ़वादी थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन, उसने अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया था, और 2019 जुलाई से 2020 जून तक की अवधि में 184 देशों पर अपना इसने सर्वे किया और उसमें 121वां स्थान भारत को दिया, प्रथम स्थान सिंगापुर का है। ये सारा पीडीएफ आपको मिलेगा आईएएस प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से तुरंत ज्वाइन करिए इसको। और आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो इसलिए भी करिए क्योंकि वहां पे और भी मैटर हम दिया करते हैं, और वहां से इसको लेके इसका क्वेश्चन आंसर, जैसे ये पे क्वेश्चन दिया है यहीं पे आंसर दिया रहेगा, इसका लिखा रहेगा आंसर क्या है, तो इसको हम जारी कर देंगे, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, ऐसा पढ़ाई करिए, ऐसी प्रैक्टिस करके जाइए, अंतिम समय का ऐसा उपयोग करिए कि पेपर आपका अच्छा ही हो, और कोशिश करिए कि पेपर छोड़िए ना, देने जरूर जाइए, और आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।